दें कि एक्स हस्बैंड ने महिला की हत्या की है। महिला की दूसरी शादी से नाराज था एक्स हस्बैंड। हत्या के बाद आरोपी एक्स हस्बैंड फरार बताया जा रहा है। दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पटेरा के शोभ नगर की वारदात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि महिला की हत्या का मामला है और बताया जा रहा है कि महिला के एक्स हस्बैंड यानी कि जो उसका पूर्व पति था उसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। महिला की दूसरी शादी से नाराजगी जाहिर करते हुए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि हत्या के बाद आरोपी एक्स हस्बैंड खुद भी फरार है। दिन दहाड़े घर में घुसकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पटेरा के शोभ नगर की वारदात बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं। दमोह से यह बड़ी खबर है, जहां आपको बताते चले कि एक महिला की हत्या का पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर यह निकलकर सामने आया है कि महिला के जो पूर्व पति था उसी ने उसकी हत्या को अंजाम दिया। महिला की दूसरी शादी से नाराज था और इसी के तहत उसने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला पटेरा के शोभ नगर की वारदात बताया जा रहा है। दमोह से ये बड़ी खबर, एक्स हस्बैंड ने की महिला की हत्या। महिला की दूसरी शादी से नाराज था एक्स हस्बैंड। दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी एक्स हस्बैंड फरार बताया जा रहा है। पटेरा के शोभ नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी एक्स हस्बैंड फरार बताया जा रहा है। आरोपी फरार है तो वहीं आपको बताते चले कि महिला ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे नाराज था और इसी के तहत इस वारदात को अंजाम दिया।